नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है SGC की इस प्लेटफॉर्म पर। हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया मतलब भारत के इतिहासकार, भारत के कुछ ऐसे इतिहासकार जिन्होंने भारत का इतिहास लिखा है, अलग अलग कालखंड का उन्होंने पूरा विश्लेषण किया है, उन सबके बारे में देखेंगे। भारत के प्रख्यात इतिहासकार कल्हड़ के बारे में, अगर भारत का इतिहास हम अच्छे तरीके से देख रहे हैं तो इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। भारत के प्रख्यात इतिहासकार है कल्हड़। देखिए, कल्हड़ के बारे में सबसे बड़ा चीज ये है कि कल्हड़ ने कश्मीर का इतिहास लिखा है। कश्मीर के इतिहास के बहुत बड़े ये विद्वान हैं, कश्मीरी इतिहासकार हैं, और इन्होंने लिखा है राजतरंगड़ी नाम का ग्रंथ इन्होंने लिखा है। राजतरंगड़ी का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो राज मतलब राजा और प्लस तरंगड़ी मतलब नदी, राजाओं की नदी, मतलब कश्मीर का एक बहुत बड़ा विस्तृत इतिहास इन्होंने लिखा है, जिसमें कई सारे राजवंशों के बारे में, कई सारे राजाओं के बारे में इन्होंने लिखा है। और देखिए, यह जो राज तरंगड़ी इन्होंने पुस्तक लिखा है, यह 1148 से 1150 के मध्य लिखा है। तो इस अगर कल्हड़ के बारे में अगर आप जानकारी इकट्ठा करेंगे तो राजतरंगड़ी के बारे में, राजतरंगड़ी और कल्हड़ का वही संबंध है जो महर्षि वाल्मीकि का रामायण से था और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज का रामचरितमानस से था। तो कश्मीर के इतिहास में कल्हड़ का एक विशेष महत्व है, और इन्होंने यह पुस्तक लिखा है राजतरंगड़ी, जो कश्मीर के इतिहास को बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से हर वंश के बारे में, हर वंश के हर छोटे छोटे राजाओं के बारे में, उनके द्वारा किए गए प्रशासनिक कार्य कैसे, उनके प्रशासनिक निर्णय लिए गए, क्या उनका राजनीतिक परिवेश था, क्या उस समय सामाजिक स्थिति थी कश्मीर की, उस सब के बारे में इन्होंने, कल्हड़ महोदय ने बहुत ही विस्तार से चर्चा किया है राजतरंगड़ी ने। इनके पिताजी का नाम था चंपक। देखिए, चंपक जो थे यह कश्मीर के राजा हर्ष के दरबार में महामात्य थे। महामात्य का तात्पर्य मंत्री। कश्मीर के राजा हर्ष के दरबार के महामात्य थे चंपक, और चंपक के दो पुत्र थे, एक तो कल्हड़ थे लेकिन कल्हड़ के ही एक अग्रज थे, मतलब बड़े भाई थे, और उनका नाम था कनक। कनक जो थे एक कुशल संगीतज्ञ थे, और वो कुशल संगीतज्ञ थे, और यहाँ पर कल्हड़ जो है ये आपके इतिहासकार हैं, इनको तो इनके बारे में तो आप तो जानकारी हो ही गई होगी। देखिए, राजतरंगड़ी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको विशेष रूप से जानकारी होना चाहिए। सबसे पहली बात कि राजतरंगड़ी जो है एक संस्कृत ग्रंथ है। इसकी भाषा शैली क्या है? भाषा क्या है? संस्कृत है। मतलब संस्कृत भाषा में इतिहास का एक बहुत ही बढ़िया ग्रंथ है, और विशेष रूप से कश्मीर के इतिहास को जानने के लिए, एक क्षेत्र विशेष के इतिहास को जानने के लिए, तो यह जाना इसकी भाषा शैली जो है संस्कृत है। यह कश्मीर के इतिहास पर आधारित है। कश्मीर के इतिहास की बहुत ही ज्यादा, और एक बात और बता दें, कश्मीर के इतिहास को जानकारी के लिए यह सबसे बड़ा ग्रंथ है और एकमात्र ग्रंथ है जो राजतरंगड़ी लिखा है कल्हड़ ने। संस्कृत में ऐतिहासिक घटनाओं पर क्रमबद्ध इतिहास, यहां पर मैं क्रमबद्ध क्यों लिखा हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कुछ छूटा है, तो इसमें कुछ छूटा नहीं है। इसमें कई सौ वर्षों का कश्मीर का इतिहास क्रमबद्ध रूप से मिलता है, जिसके लिए आपको भटकना ही पड़ेगा, अन्य ग्रंथों का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। यहाँ का जो क्या है, आदिकाल से लेकर 1151 तक, जैसा कि हमने बताया कि कल्हड़ महोदय ने जो लिखा है राजतरंगड़ी, 1148 से 1150 तक लिखा है। हाँ, मतलब इसी दो तीन सालों में इन्होंने राजतरंगड़ी को लिखा है। तो आदिकाल से लेकर 1151 तक का इतिहास इसमें है। पुस्तक की रचना हुई है, कई सारे अन्य ग्रंथों का सहारा लिया गया है, जिसमें 11 अन्य ग्रंथों का सहारा लेकर यह राजतरंगड़ी पुस्तक लिखी गई है, जिसमें एक आपका नील पुराण एकमात्र ग्रंथ है जो इस समय है। तो 11 ग्रंथों का सहारा लिया गया है, जिसमें एक नील पुराण भी ग्रंथ है। राजतरंगड़ी में कितने ग्रंथ हैं? जिस तरह से अर्थशास्त्र जो आपका ग्रंथ है, अर्थशास्त्र जिसका लेखक जो है कौटिल्य है, तो उसमें अर्थशास्त्र कितने भागों में विभाजित है? 15 अधिकरण है और 180 प्रकरणों में विभाजित है अर्थशास्त्र। वैसे ही राजतरंगड़ी जो है वह 8 तरंगों में विभाजित है, 8 तरंग है इसमें, 8 तरंगों में विभाजित है और 8000 श्लोक है इसमें। संस्कृत भाषा में है तो श्लोक रहेगा, तो 8 तरंग का मतलब ये समझ लीजिए अध्याय, ऐसे समझ लीजिए 8 तरंग है और 8000 श्लोक है कुल मिलाकर। पहले के तीन तरंग मतलब 1, 2, 3, पहले के जो तीन तरंग हैं वह कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी देते हैं। कश्मीर के सबसे प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी अगर करना है तो पहले से तीन तरंग के बारे में। अब चौथे से छठवां जो तरंग है वह कारकोट एवं उत्पल वंश के बारे में जानकारी देता है। कारकोट और उत्पल वंश के बारे में जानकारी जो देता है वह चौथा से छठवां तरंग देता है। अंतिम सातवें और आठवें तरंग के बारे में जानकारी
किस वंश के बारे में मिलती है? लोहार वंश के। लोहार वंश के बारे में जो मिलती जानकारी मिलती है अंतिम सातवें एवं आठवें तरंग में। तो यह तो हमने राजतरंगड़ी के बारे में देखा, मतलब कल्हड़ के बारे में देखा। हाँ, अब वीर सावरकर के बारे में देखेंगे। वीर सावरकर एक बहुत बड़े इतिहासकार, राजनेता थे, इतिहासकार थे, और इनका भारत की स्वतंत्रता में भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन विशेष रूप से आज का जो चैप्टर है हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया है, इंडिया है मतलब भारत के इतिहासकार, तो वीर सावरकर की भूमिका इतिहास की दृष्टि से कैसी थी यह हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, वीर सावरकर ने एक पुस्तक लिखा था, द इंडियंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। यह पुस्तक आप लोग को 100% याद होना चाहिए। यह बहुत ही चर्चित पुस्तक है भारत के इतिहास को समझने के लिए, द इंडियंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यह पुस्तक का पूरा नाम है, जिसे बी डी सावरकर ने लिखा था, विनायक दामोदर सावरकर इनके द्वारा लिखित पुस्तक है, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज व खोजपूर्ण इतिहास लिखकर ब्रिटिश शासन को हिला डाला था। मतलब सबसे पहले वीर सावरकर ने कहा था कि 1857 की क्रांति जो है वह भारत का पहला राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। हालांकि बहुत सारे उस समय कई सारे इतिहासकार वीर सावरकर की इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सबसे पहले वीर सावरकर ने कहा कि 1857 की क्रांति जो है यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। अधिकांश इतिहासकारों ने 1857 के प्रथम भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को एक सिपाही विद्रोह कहा, जैसे डिजराइली जो थे एक ब्रिटिश इतिहासकार थे और ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं यह भारत का जो आपका प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, वीर सावरकर कहते हैं यह प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, यह एक सिपाही विद्रोह है, सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, इसलिए यह क्रांति हुई थी। दूसरी ओर भारतीय विशेषकों ने भी उसे तब तक एक योजनाबद्ध राजनीतिक एवं सैन्य आक्रमण कहा था जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर किया गया था। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति को एक विश्व मंच पर लाना और इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहना, इसे प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहना, यह वीर सावरकर ने कहा था। यह जो वीर सावरकर की पुस्तक है द इंडियंस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यह एक कालजयी पुस्तक है और 1857 का स्वतंत्रता समर में इस क्रांति को भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम का नाम भी दिया गया था इस पुस्तक में। इस पुस्तक को पहली बार जो प्रकाशित किया गया था 1909 में प्रकाशित किया गया था। यह बहुत ही चर्चित पुस्तक है, इसलिए इस पुस्तक के हर बिंदु पर आप प्रकाश डालते रहिए, दिमाग में रखिएगा, ध्यान में। उस समय विद्वत जगत में यह स्थापित हो चुका था कि 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह या अधिकतम एक भारतीय विद्रोह था। हाँ, तो देखिए, अगर 1857 की क्रांति को विश्व पटल पर विख्यात अगर किसी इतिहासकार ने किया, तो सबसे पहले विनायक दामोदर सावरकर का नाम लिया जाना सबसे प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि उनके समकालीन जितने भी इतिहासकार थे वह 1857 की क्रांति को प्रथम भी नहीं कहते थे और राष्ट्रीय भी कहने को तैयार नहीं थे। सब लोग कहते थे, सबसे पहले अगर देखा जाए, अगर विनायक दामोदर सावरकर के इन विचारों का सबसे बड़ा विरोधी अगर कोई था तो यह M.C. मजुमदार महोदय थे, जो कहते थे 1857 की क्रांति पहली क्रांति तो है नहीं, पहली भी नहीं है, राष्ट्रीय भी नहीं है और स्वतंत्रता संग्राम भी नहीं है। यह M.C. मजुमदार महोदय कहा करते थे और इनके ही ऐसे ही बोलियां जो भी विनायक दामोदर सावरकर के ही विरुद्ध में कई सारे इतिहासकार कहते थे, लेकिन विनायक दामोदर सावरकर ने पहली बार 1857 की क्रांति को प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी और अंग्रेजी इतिहासकार तो पहले ही विरोधी थे। तो इनकी पुस्तक का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा और यह किस लिए चर्चित है यह भी ध्यान रखिएगा। बाकी पेजेस कहाँ?
जदुनाथ सरकार भी एक बहुत बड़े भारतीय इतिहासकार हैं। इनका जो समय काल है 1870 से लेकर 1958 तक इनका समय काल है जदुनाथ सरकार का। जन्म जो हुआ था इनका बांग्लादेश में जन्म होता है, मृत्यु जो होती है कोलकाता में होती है। जदुनाथ सरकार को विशेष रूप से मुगल राजवंश के इतिहास का विशेषज्ञ कहा जाता है। मतलब जदुनाथ सरकार ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मुगल वंश के बारे में विस्तृत विश्लेषण किया है और बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा किया है, इन्होंने पूरा शोध किया है। तो मुगल राजवंश के एक बहुत ही बड़े विशेषज्ञ, बड़े इतिहासकार मुगल राजवंश के जो भी है, यह आपके जदुनाथ सरकार हैं। और इनकी बहुत सारी पुस्तकें जो बाबर से लेकर हुमायूं, हुमायूं से लेकर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उन लोगों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, उन लोगों का जो स्थापत्य कला था उसके बारे में, या फिर चित्रकला आदि के बारे में उन्होंने पूरा विस्तृत लिखा है। देखिए मुगल वंश के राजवंश के बारे में इतिहास के भी विशेषज्ञ हैं और साथ ही साथ मराठा इतिहास के भी यह विशेषज्ञ माने जाते हैं। तो इसलिए आज का जो चैप्टर है आपके लिए काफ़ी महत्व रखता है। हिस्टोरियंस ऑफ इंडिया मतलब भारत के इतिहासकार, और भारत के इतिहासकार से मैंने अगर उठाया तो कल्हड़ से उठाया, फिर विनायक दामोदर सावरकर जो बड़े क्रांतिकारी थे लेकिन भारत के इतिहास को विशेष रूप से समझते थे, और भारत का जो गौरवमयी वैभवशाली परंपरा रही है उसके भी यह अच्छे नेता रहे हैं। तो हम जदुनाथ सरकार के बारे में देखेंगे। तो उस जदुनाथ सरकार का जो जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1870 को स्थानीय जमींदार राजकुमार सरकार के घर हुआ था, बंगाल के कराचमरिया गांव में हुआ था। 1891 में उन्होंने क्या करते हैं, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से अंग्रेजी में स्नातक करते हैं। 1892 में उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में मास्टर ऑफ आर्ट्स किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स में मतलब एमए में टॉप किया। 1897 में उन्होंने प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति भी नहीं मिला। तो यह तो उनका कुछ जो उनका वास्तविक अचीवमेंट था अपने छात्र जीवन में वह मैं आपको बताया हूँ। इनकी मुख्य रचनाएँ जो मैं बताया हूँ कि इनकी मुख्य रचनाएँ देखिए, इंडिया ऑफ औरंगजेब, जैसा कि हमने बताया कि यह मुगल वंश के इतिहासकार हैं। मुगल वंश एवं मराठा पीरियड के, मराठा काल के बहुत बड़े इतिहासकार हैं और इन्होंने पूरा विस्तृत विश्लेषण इन्हीं दो वंशों के बारे में किया है। तो इनकी पहली पुस्तक इंडिया ऑफ औरंगजेब, फिर एक और पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, फिर शिवाजी एंड हिज टाइम, शिवाजी और उनका समय, फिर इनका एक पुस्तक नादिर शाह इन इंडिया। तो नादिर शाह का आक्रमण आप जानते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में नादिर शाह का आक्रमण होता है, तो इसके बारे में भी पूरा इन्होंने पुस्तक लिखा हुआ है। फिर एक और पुस्तक है हाउस ऑफ द शिवाजी, यह भी पुस्तक जदुनाथ सरकार की है। तो मुगल वंश और मराठा इतिहास पर कई ग्रंथ इन्होंने लिखे हैं और इन ग्रंथों की प्रमाणित सामग्री ने इन्हें ख्याति प्राप्त इतिहासकार बना दिया है और भारत ही नहीं पूरे विश्व पटल पर इनका नाम है, एक बहुत बड़े इतिहास के विद्वान कहे जाते हैं। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोगों को।